दोस्तों सेक्शन 148 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट तो इन चेंजेस के बाद फॉर द वर्ल्ड सच पीरियड

फ़ाइल करना होता है अब वो नोटिस अगर आपको इशू हो गया है तो उसके लिए आपके आपको अपनी आईटीआर कब तक फ़ाइल करनी है आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है विद इन थ्री मंथ्स विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज तो यहाँ पे चेंज किया गया है इस पीरियड में अब जिस भी मंथ में आपके पास नोटिस आया है वो मंथ जब एंड हो रहा है तब से लेकर के थ्री मंथ्स के अंदर अंदर आपको आईटीआर फाइल करनी है अगर कोई नोटिस आपको आता है आईटीआर फाइलिंग की रिगार्डिंग तो आपको थ्री मंथ्स के अंदर अंदर अपनी आईटीआर फाइल करनी है अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर जो है इनवैलिड होगी यानी कि फाइल नहीं होने के कारण जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके असेसमेंट करेगा और असेसमेंट के बेसिस पर जो है आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहती है तो उनके बेसिस पर आपकी बेस्ट जस्टमेंट असेसमेंट की जाएगी और अनरिपोर्टेड इनकम मान करके जो है टैक्स लगाया जाएगा तो यहाँ पे आप जो है विद इन थ्री मंथ्स अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं तो ये नया चेंज जो है किया गया है साथ ही जो है ये जो थ्री मंथ्स का पीरियड है आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वो भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप थ्री मंथ्स में नहीं कर पा रहे हैं आई फाइल तो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर अलाउ कर सकता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो एप्लीकेशन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी और आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है provided also that any return of income required to be furnished by assessee under this uh, section and furnished beyond the period allowed shall not deem to be a return under section 139 ठीक है तो यहाँ पे फर्निश करेगा अगर uh, इस पीरियड के बियॉन्ड तो उसे नहीं माना जाएगा कि आपने सेक्शन 139 की रिटर्न फाइल करी है तो ये चेंज जो है किया गया है सेक्शन 148 के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं